प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान अंबिकापुर के पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस सहित हजारों की संख्या में सरगुजा संभाग के युवा उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने युवाओं के साथ संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर के नारायणी परिसर में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के बूथ लेवल स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकल्प शिविर में आए सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी को हाथ आगे कराकर संकल्प दिलवाया कि कांग्रेस पार्टी से जिस प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाएगा उसके लिए तन मन धन से कार्य करना होगा। बता दें कि 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सभी को आवेदन करने का अधिकार था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया था कि जो भी आवेदन करना चाहता है वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास कर सकता है, जिसके तहत सभी ने आवेदन जमा किया है। उसके आधार पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें AICC की टीम भी सर्वे करवाएगी। इसके बाद ही टिकट बंटवारा किया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने क्या क्या घोषणाएं की, आप खुद ही सुन लीजिए। एक युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें पूरे सरगुजा संभाग के 6 जिलों के सब छात्र छात्राएं आई थी महाविद्यालय के, उनसे हम लोगों ने भेंट मुलाकात की, संवाद हुआ। और उसके साथ साथ अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशन पे सभी विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन हुआ। तभी रायपुर में, बस्तर में, धमतरी और उसके बाद बालोद में, और उसके बाद आज अंबिकापुर में इसका आयोजन हुआ है। और बड़ी संख्या में सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, सेक्टर और जोन के पदाधिकारी, और खासकर जो बूथ के हमारे जो अध्यक्ष हैं और सदस्य लोग हैं, वो सब प्रत्येक बूथ से हमारे साथी आए थे इस प्रशिक्षण में। और संकल्प शिविर है और सब ने संकल्प लिया है कि पिछले समय से दोगुना वोट से जीतेंगे। और महाराज साहब को से उन्होंने, मैंने कहा है कि सरकार महाराज साहब को ले सरगुजा संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उन्हें यहाँ से छुट्टी दें, तो नामांकन के लिए आएंगे, बचत समय आप लोग अंबिकापुर विधानसभा पूरा भार उठाएंगे, ऐसा मैंने आग्रह किया। और सभी साथियों ने दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन किया। इसीलिए 17 तारीख से 22 तारीख तक, आज आखिरी दिन है, आज तक के सबको आवेदन करने का अधिकार है। तो जो साथी आवेदन करना चाहते हैं, तो इसमें विरोध या बगावत की क्या बात है, ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी मिलकर तय किए हैं कि जो भी आवेदन करना चाहे वो आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष पास कर लें। तो जिन्होंने किया तो उसका मतलब विरोध थोड़ी हुआ। आप इस प्रकार की बात, कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा? आज तो आवेदन करने का आखिरी दिन है, अब उसके बाद अब कल ब्लॉकों की बैठक होगी और उसमें अनुशंसाएँ होगी, कितने नाम नए आते हैं और वो हम लोग देखेंगे। फिर AICC सर्वे कराती है, ECC सर्वे कराती है, और प्रदेश के हमारे नेताओं के जो फीडबैक है, जिला के और ब्लॉक के जो अनुशंसाएँ हैं, उन सबको देखते हुए फैसला किया जाएगा। तो अभी से कब आना कि कितने पुराने हटेंगे, कितने नए आएंगे, ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। TCB 24 न्यूज़ के लिए सरगुजा संभाग से ब्यूरो चीफ रवि द्विवेदी की रिपोर्ट।